हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल रहमत इलेक्ट्रिकल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको 225 के ट्रे में 90 डिग्री बैंड बना करके दिखाएंगे। उसका मार्किंग मेजरमेंट कैसे हम उसका मार्किंग करते हैं, उसका कैसे मेजरमेंट लेते हैं, कितने सेंटी का हमने 90 बनाया है उसको हम आखिरी में आपको उसका हाइट का ही मेजरमेंट करके दिखाएंगे कितने का हमने 90 डिग्री बैंड बनाया है। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से आखिर तक, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएँ, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा ट्रे है 225 इंटू 50 का, है ना। तो आपको मेजरमेंट दिखा देते हैं। देखिए 225 ये आ रहा हमारा, है ना। आप साइड से इसको देखेंगे तो ये हमारा कितना का आएगा, 50 mm, यानी 225 इंटू 50 mm का ये हमारा ट्रे है। और इसमें आपको 90 डिग्री बैंड बना करके दिखाएंगे, वो भी इसका मार्किंग हम आपको नए तरीके से करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आइए इसका मार्किंग शुरू करते हैं। तो हमको पहले देखना है हमको रेडियस कितने का रखना है। तो हम इसका रेडियस रखेंगे 15 सेंटी, यानी कि 15 सेंटी, है ना। 15 सेंटी का इसको हमको रेडियस रख के 90 बनाना है। तो आप तो जानते ही हैं रेडियस का जो रेफरेंस आता है वो हम माइनस करते हैं, तो वो माइनस करके हम बनाएंगे, है ना। 15 सेंटी का हम रेडियस रखेंगे और हमको 90 चाहिए कितना, 30 सेंटी का, है ना। तो 15 सेंटी का हम रेडियस रखेंगे और 90 चाहिए हमको 30 सेंटी का। तो हमारा 3 सेंटी, ये 30 सेंटी, ये हमारा ये मार्किंग यहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको रेडियस का जो रेफरेंस आएगा 10.5 सेंटी हम माइनस करेंगे, तो ये हमारा 19.5 mm, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 19.5 mm ये हो गया, 225 का ट्रे है तो 9 सेंटी आप यहाँ से ले लें, ठीक है। 225 का ट्रे है तो 9 सेंटी यहाँ से आप दूसरा मार्किंग करेंगे, ये हमारा 9 सेंटी यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद फिर 9 सेंटी, 9 सेंटी पे आपको दो मार्किंग कर लेना है। उसके बाद आप राइट एंगल से इसका लकीर आप इस तरीके से खींच लें, ये 3 लकीर हमारा हो गया, ठीक है। आपने क्या करना है, ट्रे को इस तरफ ले आए, उसके बाद यहां से आप एक निशान आपको यहां पे लगा देना है, ये सेंटर से आपको एक निशान यहाँ पे लगा दें, ठीक है। इसको पूरा आप मार्किंग कर लें, सेंटर से यहाँ से यहाँ तक आप पूरा मार्किंग कर लें, और ये सेंटर से ये साइड से आप एक यहाँ पे एक वी कट मार दें, ठीक है। तो देख सकते हैं ये हमारा वी कट बन गया। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारा इसको कपलर बनाना है, तो कपलर बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक मार्किंग करना पड़ेगा, ये देखिए ये आपका कपलर बन गया, ठीक है। ये कट के निकल जाएगा, ये भी कट के निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक काट दीजिएगा, यहाँ से यहाँ काट दीजिएगा, कपलर बन जाएगा, ये हमारा मार्किंग हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो हमने रेडियस रखा था वो रेडियस यहाँ से हम छोड़ देंगे, 15 सेंटी हमने रेडियस रखा था, तो 15 सेंटी पे हम यहाँ से मार्किंग करेंगे, यहाँ पे हमारा आ रहा 15 सेंटी, ठीक है। उसके बाद फिर 9 सेंटी लेना है आपको, यहाँ से फिर 9 सेंटी ले लीजिए, और फिर यहाँ से 9 सेंटी फिर आगे आ जाइए, ठीक है। सेम सेम इसी तरीके से आपको मार्किंग कर देना है, ये हमारा मार्किंग हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको एक कपलर बनाना है और एक भी कटिंग करके काट करके निकालना है, ठीक है। तो दोनों का मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो पहले आप क्या करें, ये इधर का मार्किंग कर लेते हैं हम पहले। तो ये देखिए, ये सेंटर से जो हमने मार्किंग किया था, आप ये सेंटर से ये मार्किंग पूरा कर दे यहाँ तक, ये मार्किंग हो चुका। अब यहाँ से आपको एक यहाँ मिला देना है, ये देखिए ये हमारा भी कट के निकल जाएगा, ठीक है। हमको कपलर बनाना है इधर, तो कपलर बनाने के लिए आप यहाँ से एक मार्किंग कर दे इधर, ठीक है। आप इधर आ जाइए, इधर भी सेम इसी तरीके का आपको मार्किंग करना है कपलर का, ये आपका कट के निकल जाएगा, ये भी कट जाएगा यहाँ तक, ठीक है। ये आपको यहाँ से और ये काट देना है, ये काट देना है,
ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये आपका पूरा भी कट जाएगा, ठीक है, ये भी आपका कट जाएगा, ये भी निकल जाएगा पूरा आपका, यहाँ से यहाँ तक, ये भी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा मार्किंग कम्प्लीट हो गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको ये सेंटर से जो हमने मार्किंग किया है यहाँ पे एक निशान लगा दें, और ये सेंटर से यहाँ पे एक निशान लगा दें, और इधर आपको भी कटिंग कर लेना है। ये अब अगर आप नहीं काटेंगे तो ट्री आपका बैंड नहीं होने वाला है। ये हो गया, ये भी आपको भी कटिंग करना है, ये भी आपको भी कटिंग करना है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया है ना, ये पूरा कट के निकल जाएगा, ये भी पूरा कट के निकल जाएगा, ये कपलर बन जाएगा और ये कपलर बन जाएगा, ठीक है। ये इसी तरीके से आपको मार्किंग करना है 90 डिग्री बैंड का, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम इसको कटिंग करके बैंड करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं, एक भी कट ये हमारा है और दूसरा भी कट ये है, और ये वाला जो है हमारा ये कपलर है, इधर भी ये हमारा कपलर है, यहाँ से यहाँ हमने मार्किंग किया था, यहाँ से यहाँ मार्किंग किया था, ये काट दिया, काट के निकाल दिया, तो ये हमारा कपलर बन गया, और इधर भी हमने कटिंग कर दिया है, देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ मार्किंग किया था मैंने, तो ये भी काट करके हमने निकाल दिया, सेम इधर भी है, वैसे ही हमने कटिंग किया, वैसे ही मार्किंग करके काट के इसको हमने निकाल दिया, तो ये हमारा कपलर बन चुका, ठीक है। एक बार आप इधर से भी देख लें, तो देख सकते हैं, इधर से भी आप देख लें, और ये देख रहे हैं, ये जो ये भी वी कट है हमारा, ये सेंटर से हमने यहाँ मार्किंग किया था, वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, तो ये भी आपको वी कट काट के निकाल देना है, और ये भी काट के निकाल देना है। जब हम इसको मोड़ेंगे तो आपस में ये टच हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं कटिंग करना है, सेम ऐसे ही कटिंग करना है, ठीक है। तो अब चलिए हम इसको मोड़ेंगे, मोड़ करके फिर इसका 30 सेंटी का ये हमारा 90 डिग्री बैंड बना है कि नहीं उसको मेजरमेंट करके भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, स्किप ना करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा 90 बैंड बन के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं, ये हमारा कपलर इसके अंदर आ गया है, और इसमें हमने रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको टाइट कर दिया है, और इसको भी दोनों हमारा कपलर इसके अंदर आ गया है। इधर से भी आप देख लें, ये देखिए, ये हमारा कपलर एक, और ये दूसरा कपलर ये हमारा, ठीक है। और इधर हमने जो भी कटिंग किया था, ये सेंटर से जो मार्किंग किया था, देख सकते हैं, ये दोनों पूरा बराबर बैठ गया है ना। तो इसको भी आप ज़्यादा ना काटें, ज़्यादा काटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पूरा गैप दिखेगा, तो हल्का हल्का काटें। ये देखिए, लग रहा है कि कटिंग ही नहीं किया हुआ है ना, तो इसको ज़्यादा नहीं काटें। तो चलिए अब इसका मेजरमेंट करके दिखाते हैं आपको, 30 सेंटी का ये हमारा बना है कि नहीं 90 डिग्री बैंड। तो आइए फ्रेंड, इसका हम मेजरमेंट करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा 30 सेंटी का 90 डिग्री बैंड बन करके तैयार हो गया है 225 के ट्रे में। तो सेम ऐसे ही आपको मार्किंग और कटिंग करना है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।